कर्नाटक के कोलार जिले में रविवार की रात 900 गैस सिलेंडर्स में ब्लास्ट हो गया। यह अग्निकांड चिंतामणि गांव में हुआ है। इस हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका है। हालांकि राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर्स के गोदाम में सिलेंडरों से भरे दो ट्रक खड़े थे, तभी आग सबसे पहले एक ट्रक में लगी। इसके बाद आग ने पास खड़े दूसरे ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया और इसके बाद क्या हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई घंटों तक यहाँ धमाके होते रहे। एक एक कर करीब 900 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ और पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। आग कितनी भीषण है इसका अंदाजा तस्वीरों से साफ लगाया जा सकता है। यह आग ने कई वाहनों को भी अपनी चपेट में लिया है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने अब काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। चिंतामणि गांव में हुए इस अग्निकांड ने गांव के लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि गांव के आसपास एलपीजी की गंध फैल चुकी है और इसके चलते एहतियात बरता जा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।